कैम्ब्रिज IAS बुक 1 PDF फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। कैम्ब्रिज IAS बुक 1 प्रैक्टिस टेस्ट 2 रीडिंग पैसेज नंबर 1। फर्स्ट वर्ड इज़ वर्चुअली। वर्चुअली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है वाकई, असल में, या तकरीबन, या लगभग, या अमली तौर पर। सिनोनिम इसका प्रैक्टिकली। फॉर इंस्टेंस, वर्चुअली अलोन, वाकई में तनहा, वाकई में अकेला। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मुख्तलिफ, अलग अलग होना, मुनफरिद होना। सिनोनिम इसका डिफरेंट, अपेरेंट, डेफिनेट। नेक्स्ट वर्ड इज़ एप्स। एप्स एक नाउन भी और वर्ब भी, इसका मतलब होता है नकल उतारना, या नकल उतारने वाले को भी एप्स कहते हैं। कोई भी बंदा जैसी शक्ल बना उसको भी एप्स कहते हैं। एंड सिनोनिम इसका एंथ्रोपॉइड, कॉपीकैट। नेक्स्ट वर्ड इज़ पजेस। पजेस एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है काबिलियत रखना, खसूसियत रखना, या सिर्फ जब बोलते हैं बस में, मेरे बस में नहीं है, तब भी पजेस है। ज़्यादा होना, हैरा ज़्यादा होना, खौफ ज़्यादा होना, पोजीशन है तो उसको भी पजेस कहेंगे। गिरफ्त में लेना, पकड़ना, थाम लेना, वो भी पजेस है। इसका सिनोनिम है हैव और ऑब्टेन, ओन करना, कंट्रोल करना। नेक्स्ट वन इज़ लेटरल। लेटरल मतलब बगली, पस मंज़र, या पहलू, या आड़, या किसी भी तरफ की कोई चीज़, उसको लेटरल कहेंगे, साइड वेज, जिसके तरफ हों। नेक्स्ट वर्ड इज़ एसिमेट्री। एसिमेट्री एक नाउन है जिसका मतलब होता है गैर मुतनासिब, बेजोड़, या बेतरतीब। नेक्स्ट सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब सदा का, आदि, या जानबूझकर, या बामकसद। किसी का कोई मकसद हो तो कोई सिस्टम के थ्रू ही होगा, कोई मकसद पूरा करना बाकायदा, बाज़ाब्ता। सिनोनिम इसका मेथोडिकल। फिनोमेना। फिनोमेना का मतलब होता है गैर मामूली, नादिर, मज़ाहिर कुदरत के मुताबिक, करिश्मा, अजूबा कह सकते हैं। एम्बिगुअस। एम्बिगुअस एक एडजेक्टिव है, बहुत यूज़ होता है। मुबहम, नाकाबिल शनाख्त, मशकूक, गैर वाजा, जिसको कोई वाजा ना हो, सिनोनिम से पता चल रहा है अनक्लियर। एम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर। नेक्स्ट इज़ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है औलाद, सिनोनिम इसका चिल्ड्रन। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर एक नाउन है जैसे कि दिमाग, दिमाग के हिस्से, राइट साइड ब्रेन और लेफ्ट साइड ब्रेन, तो उसको हेमिस्फीयर कहेंगे उस हिस्से को, यानी दिमाग के दो हिस्सों में से कोई एक हिस्सा हेमिस्फीयर कहलाएगा, यानी निफ्स कुर्रा। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोबेबली। प्रोबेबली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शायद, गालबन, या मुमकिन तौर पर। सिनोनिम से पता चल रहा है लाइकली मीन्स प्रोबेबली। प्रेफरेंस। प्रेफरेंस एक नाउन है जिसका मतलब होता है हवाला, या तरजीह देना। सिनोनिम से पता चल रहा है फर्स्ट चॉइस मतलब प्रेफरेंस, प्रायोरिटी मतलब प्रेफरेंस, लाइकिंग क्या आपकी प्रेफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड कहते हैं खारिज करना, निकालना, सुलझाना, तरतीब से खोलना, तय दर तय खोलना, यानी मुनज्जम तरीके से मालूम करना, या उसको मुरतब करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ बायलैटरल। बायलैटरल मतलब दो तरफा, दो फरीकों के दरमियान। लैटरल मीन्स एक तरफ। सिनोनिम इसका हैविंग टू साइड, इट्स कॉल्ड बायलैटरल। सीक्रेट। सीक्रेट मतलब रसना, निकलना, ये वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज़ मोर ओवर। मोर ओवर एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मज़ीद, इसके अलावा, सिवा। सिवा बोलते हैं ना, सिवाय इसके तुम्हारा कोई काम नहीं है, बल्कि, बल्कि भी बोलते हैं तो उसको कहते हैं मोर ओवर। इसका सिनोनिम से पता चला फर्दर मोर, मज़ीद आगे क्या, मतलब मोर ओवर कह लें या फर्दर मोर कह लें। नेक्स्ट इज़ सम वॉट। सम वॉट भी एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है कदर, किसी कदर, किस कदर, या कदरे, कदरे बदतमीज़, कदरे सुलझा हुआ इंसान, कुछ कुछ, मतलब इसमें मीनिंग होगी कुछ खासन। सिनोनिम से पता चल रहा है रादर, मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। सम वॉट किसी हद तक। अफेक्टेड। अफेक्टेड कहते हैं मसनू तौर पर, तैयार करदा, या बनावटी, बहरूपिया, है किसी चीज़ की तरफ रुझान रखने वाला, यानी टस्ट पर्सन होगा वो, कोई टस्ट चीज़ होगी। नेक्स्ट वन इज़ रैशनैलिटी। रैशनैलिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है बाशऊर होने की हालत, या कुव्वत फैसला करने की ताकत। आकिल कहते हैं साहिब अकल को, कहते हैं रैशनैलिटी अकलियत पसंदी को, यानी सेंस जिसमें होगा। सिनोनिम से पता चला सेंस जिसमें होगा उसमें रैशनैलिटी होगी। नेक्स्ट इज़ अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है कोई ख्याली या तसव्वुराती बात, यानी गायब दिमागी में इंसान जो सोचता है वो एक अब्स्ट्रैक्शन ही होती है, जो बिल्कुल अलग ही होती है। सिनोनिम से पता चला कॉन्सेप्ट माइंडेडनेस। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है दिलजोई करना, तसल्ली देना, या तो दिलजोई आपको सूरत हाल से मिल जाएगी, या किसी कोई शख्स आपको दिल। सिनोनिम इसका कम्फर्ट, सुलेस। नेक्स्ट वर्ड इज़ सबलीमिनली। सबलीमिनली कहते हैं लाशौरी तौर पर, ना महसूस तरीके से, इंसान को पता नहीं होता, वो सबलीमिनली कर देता है जो कुछ कर रहा होता है। सिनिस्टर। सिनिस्टर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शैतानी, बदी की तरफ माइल, मुजरिमाना, या बुरा शगुन देने वाला या करने वाला। सिनोनिम इसका थ्रेटनिंग जो हो, मैनेशियस। मैनेशियस पर्सन। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स एक नाउन है जिसका मतलब होता है तारीफ़ और तकरीम, या शाबाश या मुबारकबाद, या वो काम जिस पर आपको इनाम मिले उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। प्रेज, ग्रीटिंग्स वगैरह।
नेक्स्ट वर्ड इज़ अंडरटेकिन. अंडरटेकिन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी बात का तहिया कर लेना, इरादा कर लेना, बेड़ा उठा लेना, जिम्मा ले लेना, जमानत देना, वो अंडरटेकिन होता है. मतलब सिनोनियम इसका सेट अबाउट, गारंटी, टेक इन चार्ज, वो अंडरटेकिन होता है. वाइस वर्सा, वाइस वर्सा एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी, जिसका मतलब होता है बरअक्स या उसके उलट. अगर कहीं कोई सीधी कोई बात कर रहा हो आप उसे कहेंगे वाइस वर्सा, मतलब इसके उलट. सिनोनियम इसका द अदर वे अराउंड. नेक्स्ट वर्ड इज एनाटॉमिकल. एनाटॉमिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजाय बदन. इसके सिनोनियम इसका बेसिक, फंडामेंटल. नेक्स्ट वर्ड इज वर्च्यू. वर्च्यू एक नया नाउन है जिसका मतलब होता है तासीर, नेकी, खूबी, इखलाकी बुलंदी. सिनोनियम इसका मोर एक्सलेंस, मेरिट, चैस्टिटी.